जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां पर एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है। जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस कबूतर के जरिए। यह बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से संदिग्ध जासूस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ में पकड़ा गया है और पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया है और एक संदेश भी इसके पास से मिला है। कैसे जासूसी की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, ये खुलकर के सामने आया है। पाकिस्तान जो कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है और अब देखिए जासूसी की कोशिश हो रही है। और जो कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं, इस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ से पकड़ा गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जासूसी कराने के लिए इस कबूतर को भेजा गया था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि कबूतर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया है और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पकड़ा गया ये पाकिस्तानी संदिग्ध कबूतर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर इलाके की जानकारी लेने के लिए, जासूसी कराने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इसे भेजा गया था। तो आपको बताते हैं कि जासूसी के लिए संदिग्ध रूप से पाकिस्तान में ट्रेंड कबूतर है ये, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर से पकड़ा गया। इसके बाद इसको पिंजरे में कैद किया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि कबूतर के पास से कूट भाषा वाला एक संदेश मिला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान से इस ओर उड़ के आने के ठीक बाद हीरानगर सेक्टर में मनियारी गांव में इसको पकड़ा गया, लेकिन जासूसी कैसे कराई जा रही है कबूतर के जरिए, अभी खुलकर के सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से इस कबूतर को पकड़ा गया है। लगातार पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है और हर दिन हम एक नई चालाकी और एक नई तस्वीर पाकिस्तान की देखते हैं। और उसी कड़ी में देखिए आप कबूतर से जासूसी की ये पूरी जो कोशिश है ये भी खुलकर सामने आई है। गुरसिमरन हमारे साथ फोन लाइन पर, सीधे उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, क्या जानकारी मिल रही है? कहा जा रहा है कि इसके पैर में कुछ कोड नंबर लिखे हुए थे, अंगूठी इसके पैर में डली हुई थी, बहुत सारी ऐसी जानकारी आ रही है अलग अलग। जी बता दें कि सुरक्षा बलों को सुबह के करीब जो है लोकल से ही सूचना मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हीरानगर बॉर्डर पर ये कबूतर मिला है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया और इसके पैर से एक छल्ला मिला है जिसपे की कोई नंबर लिखा हुआ है। अब सुरक्षा बलों ने इस कबूतर को भी अपने हिरासत में रखा है और उस छल्ले पे जांच की जा रही है। जो ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसको भी इसकी इत्तला दी गई है और सभी एंगल्स से तराशा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐसी हरकतें जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई हो। पहले भी कई कबूतर जिनमें की पाकिस्तान के झंडे या नंबर लिखे हुए थे वो आते थे और अब भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह के इसे हल्के में नहीं लेना चाहती और हर एक तरह से जांच की जा रही है कि क्या इसका इस्तेमाल किसी तरह की जासूसी के लिए किया जा रहा था या किस लिए। जी बिल्कुल गुरसिमरन, ये माने कि दरअसल एक और तरीका निकाला है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने, कि कैसे कश्मीर में वो आतंकी जिनकी घुसपैठ कराई गई है कबूतर के जरिए संदेश भेजा जाए, यानी कोई एक बड़ी साजिश की कोशिश चल रही है, इसको देखते हुए तो यही लगता है। जी निश्चित तौर पर ये ऐसा भी हो सकता है और एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा है, उन्होंने भी ये कहा कि हम किसी भी एंगल को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगातार जो है पाकिस्तान आतंकियों को भेजने का प्रयास करता है और टिप ऑफ के लिए हम पंजाब में भी देखा था कि अगर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है तो कबूतरों का इस्तेमाल कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी जब तक पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है, आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस हर एक एंगल को तलाश रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए किसी भी तरह का रिस्क और चांस पुलिस नहीं लेना चाहती है और हर एक पहलू की गहन गंभीर तरीके से जांच की जा सकती है, क्योंकि एक समय में ये जो इलाका है ये आतंक का रूट रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरसिमरन आप, कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की